ओला स्कूटर को परचेज किए मुझे लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। उसको मैंने चला दिया लगभग 30,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। अभी इतना चलाने के बाद मैं स्कूटर की क्या कंडीशन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे इसमें आई है, वही आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्कूटर की बिल्ड क्वालिटी की। तो इतना चलाने के बाद में किसी भी स्कूटर की जो बिल्ड क्वालिटी की असलियत है वो सामने आ ही जाती है। बात करें अगर अपन डिस्प्ले की, तो इसके ऊपर मैंने कोई भी स्क्रीन गार्ड वगैरह नहीं लगवाया था और अभी आप देख सकते हैं एक भी स्क्रैच नहीं है। इसके अलावा टच रिस्पॉन्स भी एकदम प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है टच के साथ में भी। और हाँ, वो अलग बात है कि थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर बग्स है, उनके बारे में अपन वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। बटन्स की क्वालिटी अभी आप देख सकते हैं अभी भी सही है। मैट की कंडीशन भी अभी सही है, कोई इश्यू नहीं है इसके साथ में। और सीट आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हमने कोई कवर वगैरह नहीं लगाया अभी तक, और अभी भी सेम कंडीशन में, कोई इश्यू नहीं है इसके साथ में भी। और सबसे ज़्यादा जो मुझे डाउट था वो था इसकी जो चार्जिंग फ्लिप आती है इसके ऊपर, क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की है और फिलहाल अभी प्रॉपर वर्किंग है, कोई इशू नहीं है इसके साथ में। और इसके अलावा इसके ग्रैब रेल्स के ऊपर भी मुझे डाउट था, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। डेली मैं स्कूटर को इसी से पकड़ के पार्क करता हूँ मैं। अभी टेल लाइट आप देख सकते हैं, और एक बार स्कूटर को मैं साइड से भी दिखा देता हूँ। कुछ स्क्रैचेस वगैरह यहाँ पे आ रखे हैं, ये एक्चुअली एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से स्क्रैच आ गए थे। और बाकी ये वाला पार्ट नहीं टूटा, इसमें जो लॉक्स आते हैं वो टूट गए, तो वो हमने लगवा लिए थे दोबारा। तो बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है। साइड स्टैंड की अगर अपन बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हल्की लगती है, लेकिन कोई शिकायत वगैरह भी इसमें आई नहीं है। और स्कूटर में काफ़ी सारे यहाँ पे अमेजिंग से फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि म्यूज़िक कंट्रोल हो गया, नेविगेशंस हो गए, GPS ट्रेसिंग हो गई, मतलब स्कूटर की लोकेशन को आप GPS से ट्रेस कर सकते हैं कि स्कूटर कहाँ पर पार्क है। इसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल हो गया, लेकिन इतने सारे फीचर्स होने की वजह से इसमें लैग्स भी बहुत सारे हैं, जिस वजह से स्कूटर को कभी कभी आपको स्टार्ट करने में दिक्कत आ सकती है। तो वहाँ पे आपको स्कूटर को रिबूट करना होता है, जिसमें 1 से 2 मिनट का टाइम लग ही जाता है। अगर यहाँ पे कोई फिजिकल की होती तो ज़्यादा बेटर रहता। और सस्पेंशन इसके दोनों वीक ही फील होते हैं, क्योंकि कभी खड्डा या फिर ब्रेकर आ जाने पर एक खट की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि स्कूटर नीचे लग चुका है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये ओला S1 प्रो का फर्स्ट जनरेशन है, जिसमें ये जो बेल्ट वाला पार्ट है वो पूरा कवर्ड आता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। और अभी जो S1 प्रो का सेकंड जनरेशन स्कूटर आ रहा है, उसमें ये बेल्ट वाला जो पार्ट है वो पूरा कवर नहीं होता, और बेल्ट के ऊपर प्लास्टिक का छोटा सा कवर लगा हुआ है। कुछ कस्टमर को ये कंप्लेन रहती है कि ये बहुत जल्दी टूट जाता है। बात करते हैं स्कूटर में क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की अभी तक। तो स्कूटर लेते ही सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम मुझे जो आया था वो था कि इसकी जो वायर्स है उसको चूहों ने काट दिया था, जिसके कॉस्ट आई थी लगभग 12,000 से 13,000 रुपये के आसपास। खैर वो अमाउंट तो इंश्योरेंस ने पे किया था। उसके अलावा जो प्रॉब्लम मुझे आई है वो है इसका जो हेडलाइट वाला, जो हेडलाइट के नीचे वाला जो पैनल है वो लूज़ हो जाता है कुछ टाइम बाद में, और वो हमने 2 बार चेंज करवा लिया है। लास्ट चीज़ जो मुझे इसकी पसंद नहीं आई वो है इसकी सर्विस। अब ऐसी बात नहीं है कि सर्विस ओनली मुझे ही पसंद नहीं आई, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स के जो रिव्यूज़ है सर्विस के लिए वो नेगेटिव ही है। स्कूटर के बारे में कुछ अच्छी बातें भी आपको मैं बता देता हूँ, जो एक्चुअली में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। एक तो इसका जो एस्केलरेशन है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और टॉप स्पीड की अगर अपन बात करें तो S1 प्रो का जो फर्स्ट जनरेशन स्कूटर है उसके अंदर लगभग 116 की टॉप स्पीड मिल जाती है, और अभी जो सेकेंड जनरेशन आ रहा है S1 प्रो उसके अंदर भी लगभग 120 की टॉप स्पीड मिलती है, जिसको चलाने में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और स्कूटर के अंदर एक काफ़ी बड़ा सा बूट स्पेस मिलता है, जिसमें आप काफ़ी सारा सामान आप इजीली रख सकते हैं। स्कूटर की जो बैटरी वो भी काफ़ी अच्छी है, अगर आप बाकी स्कूटर से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छी रेंज अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। और मैंने भी स्कूटर को लगभग 30,000 किलोमीटर के ऊपर चला दिया है, और अभी भी मुझे वही रेंज मिलती है जो मुझे स्टार्ट में मिलती थी, तो रेंज के अंदर कोई ड्रॉप नहीं आया है। ओवरऑल अगर अपन स्कूटर की बात करें तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है जितने कि एक्टिवा, मेस्ट्रो या फिर जुपिटर वगैरह में आती है, जिसको आप रफ एंड टम्प चला सकते हैं। अगर इस स्कूटर को आप लेने के सोच रहे हो तो उसको आपको बड़ी सावधानी से एकदम प्यार से चलाना पड़ेगा, तभी ये चलेगा, अदरवाइज़ तो आपको इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और अगर आप इसको केयर के साथ में चलाएंगे तो तब आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी स्कूटर हो सकता है ये। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।